सूबाई दारुलहकूमत में धुंध छाने लगी। धुंध के बारिश लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हद निगाह 100 मीटर से कम रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा तालिबात के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे। नशे में मुवज्जिना मुलव्विस तलबा के खुसूसी टेस्ट करवाए जाएंगे। तमाम मुतल्लिका प्रिंसिपल्स को DHQ और THQ से तलबा के टेस्ट करवाने की हिदायत। पंजाब पुलिस सब अच्छा है कि राग लापने लगी। जिंदा दिलांग के शहर में नशियों के डेरे, शहर की मसरूफ तरीन केनाल रोड पर सरेआम मुनशियात की फरोख जारी। पुलिस अहलकारों का भी नशे की खरीदो फरोख में मुलव्वस होने का इंकशाफ। ताकत का सरचश्मा आवाम है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने आवाम की आजादी और जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का रायवंड के कासिम ग्राउंड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, महंगाई की चक्की में पीसे आवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। बोले, पीपल्स पार्टी ने 2013 में CPAC का इंकलाबी मंसूबा शुरू किया। हम किसी को CPAC पर यू टर्न लेने की इजाजत नहीं देंगे। जो शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके वो आवाम को क्या आजादी देंगे। बिलावल भुट्टो की मेहनत से पार्टी फाल हुई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, 27 दिसंबर को लियाकतबाग में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीबन मिसाल बरसी मनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का प्रोग्राम देंगे। कमर जमान कायरा बोले, पीपल्स पार्टी हर दौर में चैलेंजेस का सामना करती आई है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील किया, तनख्वाहें बढ़ाई। आज एक और सेलेक्टेड की वजह से पाकिस्तान फिर बहरान का शिकार। हुकूमत की तंदूरों के लिए गैस की कीमत में इजाफे की तजवीज। मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन हुकूमत से नाला। आफ्ताब घेर का सादा रोटी 12, नान की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया। कहा, गैस न आने के बायस पहले ही महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत सस्ती अशाय खुरनोश की फराहमी में नाकाम। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। घी और ऑयल की कीमतों में 15 से 26 रुपए किलो तक का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। महंगाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत के दावों और वादों की बहार। 3000 से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप्स खोलने का ऐलान। रजिस्टर्ड होने वाली दुकानों को 1 लाख तक का बिलासूद कर्जा और 35,000 महाना सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक अफराद को इंसाफ राशन स्पोर्ट की मद में 3000 तक का महाना राशन मुफ्त जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 3 बिल बआसानी पास कर लिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। लोकल गवर्नमेंट तरमीम बिल, कैदियों की रिहाई, पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल तरमीम बिल में मंजूर। ऑपोजिशन का तरमीम जमा न करवाने पर शोर शराबा, वॉकआउट। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज सुबह 3 बजे तक मुल्तवी। चिंची रेशों के खिलाफ कानून साजी करने की तैयारी शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब 3-व्हीलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कानून साजी करेगा। गैर कानूनी तौर पर रिक्शे की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानेब से कंसल्टेंट हायर करने के लिए PC2 तश्कील दे दिया गया। PIC हमले में पुलिस वैन को आग लगाने वाले वकील की शनाख्त हो गई। वकील आतिफ भट्टी ने पुलिस वैन को आग लगाई। उधर PIC हमले के मरकजी मुलजिमान ताहाल आजाद। वजीर इत्तला पर हमला करने वाले शनाख्त के बावजूद पुलिस की पहुंच से दूर। PIC के बाहर फायरिंग में मुलव्वस वकला भी पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला गर्दी का मामला। पंजाब बार काउंसिल में वकला नुमाइंदगान कन्वेंशन आज होगा। वकला नाखुशगवार वाकयात के तदारुक बारे इजहार ख्याल करेंगे। कन्वेंशन में मेम्बरान पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर शिरकत करेंगे। जो PIC सामने में मुलव्वस हैं उनसे कोई रियायत नहीं। हंगामा आराई में मुलव्वस न होने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई न की जाए।
वकला केस की समाप्त पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स, आईजी से कहा जिस अस्पताल में ऊंचा सांस भी नहीं लिया जा सकता वहां हंगामा आराई हुई, ये आपकी नाकामी है, वकला को रोकना चाहिए था। वकला और डॉक्टर्स के तनाजे के हल के लिए कमेटी कायम, कमेटी में वकला की जानिब से हफीजुर रहमान चौधरी, शाहनवाज गुजर, पीर मसूद चिश्ती और असगर गिल शामिल। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की मामला खुश असलूबी से हल करने की हिदायत। उधर गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए छठे रोज भी वकला की हड़ताल, जमाते मुतासर, बेशतर साइली नई तारीखें लेकर मायूस वापस। वकला हमले के खिलाफ पीआईसी डॉक्टर्स की एक घंटा अलामती हड़ताल, डॉक्टर्स और अमले का काम छोड़ देने से इलाज मुआवजे में आर्जी तातुल, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का हमले में मुलविस वकला की गिरफ्तारी और सजाओं का मुतालबा। पीआईसी सानहे में वजीर आजम के भांजे हसन नियाजी की अदम गिरफ्तारी का मामला, हफीजुल्ला नियाजी का भी बेटे के दिफा में बयान सामने आ गया, कहते हैं हसन की जलाओ घेराओ, जब वकला को उकसाने की एक वीडियो भी दिखा दें तो बेटे को खुद पेश कर दूंगा। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाला कौन सा डॉक्टर कितना टैक्स देता है, पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी फरहान शहजाद का एफबीआर को खत, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की फहरिस्त और टैक्स अदायगियों की मुकम्मल तफसीलात मांग। एडीए अफसरान को जदोकोब करने पर मंशा बम के भाई और बेटों पर एक और मुकदमा दर्ज, मुलजिमान ने समन जारी में गैर कानूनी तामीर के खिलाफ ऑपरेशन में मुदाखलत की, डेप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग उस्मान ताहिर की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अद्वियात गोदाम में डकैती का वाकया, इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि गोदाम से 1.5 करोड़ से ज्यादा मालिक की अद्वियात चोरी हो गयी, 4 मुसल्ला डाकू बहाने से गोदाम में दाखिल हुए और सिक्योरिटी गार्ड को जरगमाल बना लिया, वेयरहाउस से 19,89,200 सेप्ट्रॉन गोलियां, 3,88,358 ऑगमेंटेड गोलियां डाकू ले उड़े। एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार को ओहदे से हटा दिया गया, एडिशनल एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान ने एमएस जिना अस्पताल का चार्ज संभाल लिया, डॉक्टर इफ्तिखार को नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया। जिनसी दरिंदों की वहशत बदस्तूर कायम, पुलिस मासूम फूल और कलियां मसले जाने का सिलसिला रोकने में नाकाम, रवा साल 10 साल से कम उम्र बच्चों बच्चियों से ज्यादती के 1,333 मुकदमा दर्ज, ज्यादती के बाद 6 बच्चियों समेत 11 बच्चों का कत्ल, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, लाहौर में 105 बच्चों 94 बच्चियों से ज्यादती की गयी। बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए नाकिस कवानीन पर यूनिसेफ भी हैरान परेशान, हिफाजत की जिम्मेदारी के हवाले से महकमे के तायुन और नए सिरे से चाइल्ड केयर सिस्टम वजा करने का मुतालबा, पंजाब हुकूमत के मुतालिका महकमों को मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। शहर में डाकू राज, डाकू चैम्बरलेन रोड पर दुकान से 4.5 रुपए लेकर फरार हो गए, वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। मरगजार कॉलोनी के घर में आते जदगी का अफसोसनाक वाकया, बेटी की शादी के लिए कैनेडा से आई फैमिली का सारा सामान राख हो गया, मुतासिरा खानदान के मुताबिक आतिश जदगी से $1,00,000, पासपोर्ट समेत 10,00,000 पाकिस्तानी करेंसी और दीगर सामान जल गया। कैंपस पुल पर चिंगची रिक्शे में आग भड़क उठी, आग रिक्शा स्टार्ट करते हुए लगी, रेस्क्यू 1122 और वार्डन्स ने मिलकर आग पर काबू पाया। वजारत हाउसिंग के लिए सस्ते मकानों की तामीर के लिए अराजी की तलाश चैलेंज बन गई, वजीर आजम का टेक्नोलॉजी से मदद लेने का हुक्म, कैडास्ट्रल सर्वे के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जीआईएस सिस्टम सेटेलाइट की मदद से अराजी का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। बल्दिया लाहौर जाग उठे, यूनियन काउंसिल्स में मुअत्तल शुदा तरक्याती काम बहाल, 21 तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए 17 करोड़ के फंड खर्च करने का फैसला, उधर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुलाज़मीन और तलबा की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली, वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की रैली में खुसूसी शिरकत, शर्का ने पाक फौज की दिफाई वतन के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया।
पंजाब में 14,000 डॉक्टर्स भर्ती किए। बुनियादी हेल्थ के 30% मराकज 24 घंटों के लिए ओपन कर दिए। शहरियों को हर मुमकिन सेहत सहूलियात घर की दहलीज पर देंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैन अक्वामी साइंटिफिक सिंपोजियम से खिताब। तकरीब में बीसी के ईएमयू प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर भी शरीक हुए। आईजी पंजाब से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। चीनी माहिरीन, सरमायाकारों, शहरियों की सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी की लॉन्ग डिंग बिन को सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग और मौसर इकदाम की यकीन दहानी। एफजीए ग्राउंड कोर्ट लखपत में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। सूबाई वजरा एजाज आलम ऑगस्टिन, बशारत राजा, साहबजादा सैयद सईदुल हसन, हसनैन बहादुर दरेशु की शिरकत। सूबाई वजरा ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस के हवाले से केक काटा। सीनियर पास्टर अनवर फजल ने सानिया एपीएस कश्मीर की आजादी और मुल्की सालमियत के लिए खसूसी दुआ करा। लाहौर चैम्बर में कारोबार करने वाली ख्वातीन के किरदार पर सेमिनार। बेगम कॉर्नर पंजाब परवीन सर्वर की खसूसी शिरकत। कहती हैं ख्वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, उनके बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीनी तजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। वफ्द के सदर चैम्बर इरफान इकबाल से मुलाकात। चीनी वफ्द की आमद पर सनदकारों की बड़ी तादाद मौजूद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुअस्सर तजारती राब्तों पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान में सस्ती लेबर और मौजूद मवाकों पर बात की है। और बीकन हाउस स्कूल की जानिब से टैलेंट मैनेज का इनेकाद। नन्हे तलबा की मुख्तलिफ कहानियों पर शानदार परफॉर्मेंस। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अली अहमद खान की खसूसी शिरकत। वालिदैन पूरे हर बच्चों को उछलता कूदता देखकर खूब महसूस हुए।